अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है आप लोग सब अच्छे से होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अच्छे से रहना भी चाहिए। और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनको दिल से वेलकम। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी ना भूले। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप लोगों ने तो डायमंड देखी होगी, उसकी चमक देखी होगी, उसकी शाइनिंग देखी होगी आप लोगों ने कि वो किस तरह से चमकती है। जब वो चमकती है तो कितनी खूबसूरत लगती है। तो हम लोग सोचते हैं काश हमारे स्किन में कुछ इस जैसा ही चमकती। और आप लोगों ने तो टाइटल थंबनेल तो पढ़ ही चुके होंगे मैं आज क्या शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, मैं आज यहाँ पर नेचुरल डायमंड फेशियल शेयर करने वाली हूँ, वो भी नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स के साथ जो हम सब के किचन में वो मौजूद है। जब आप लोग इस नेचुरल डायमंड फेशियल को ट्राई करोगे तो आप लोग केमिकल वाले डायमंड फेशियल भूल जाओगे। जब हमारे जहन पे फेशियल आती है तो हमें डायरेक्ट पार्लर याद आ जाती है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं आज नेचुरल डायमंड फेशियल शेयर करने वाली हूँ जो नेचुरल है, हमारे स्किन में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं देगा। तो इसके लिए क्या मेरी वीडियो में बनी रहनी है, मेरी वीडियो के स्किप बिल्कुल भी ना करना। अगर स्किप करो तो पता कैसे चले मैं क्या शेयर करने वाली हूँ और क्या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग आता है क्लींजर, जी रॉ मिल्क क्लींजर। इससे बेहतर कोई क्लींजर हो नहीं सकता। बस क्या रॉ मिल्क ले, कॉटन डिप करे, अपने फेस को पूरा क्लीन कर ले। अगर आपकी फेस ऑलरेडी क्लीन है कोई फेशियल, कोई फेस वॉश है, कोई क्लींजर से, तो कोई बात नहीं। अब हम लोग आते हैं स्टेप टू में, जो है एक्सफोलिएटर। तो इसके लिए क्या है वो देखते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए आटा चाहिए। जी हाँ, आटा, आप कोई भी आटा आप ले सकते हैं। तो इसमें हमें चाहिए कच्चा दूध, रॉ मिल्क, इसको आप अच्छे से मिक्स करनी है। अगर आपके पास आटा नहीं है तो आप ओट्स भी आप ले सकते हैं। अगर आपके पास ओट्स है तो कोई मसला नहीं है। तो इसे क्या आप लोगों को अच्छे से मिक्स करनी है। आपको ये आपको जितने भी डेड स्किन सेल्स है आपके स्किन में वो सब इसे वॉश आउट कर देगा। जब आप इसे अप्लाई कर रहे हो तो स्लाइटली मोशन से अपने फेस पे इसे आप रब करें, उसे ड्राई होने के लिए छोड़ दें। जब वो पूरे अच्छे से ड्राई हो जाए तो हल्के हाथों से आपको इसे क्या करनी है, रब करनी है। जब आप रब करोगे आपके जितने भी डेड स्किन सेल्स है वो पूरे वॉश आउट हो जाएंगे। तो अब हम लोगों की थर्ड आती है बीट रूट मसाज आती है। तो इसके लिए क्या है वो देखते हैं। तो हमें चाहिए दही चाहिए, आप कर्ड ले लो या योगर्ट ले लो, जो है वो आप ले लो। तो इसमें मैंने दही ऐड किया 1 टेबल स्पून। और यहाँ मैंने ऐड कर रही हूँ बीटरूट पाउडर। अब इसके जगह बीटरूट जूस का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून लिया ना, तो अब यहाँ आप क्या करना, 1/2 टेबल स्पून ऑफ बीटरूट पाउडर ले लेना। अगर आप जूस का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप 1 टेबल स्पून ऑफ बीटरूट का जूस आप इस्तेमाल कर सकते हो। इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स करनी है। अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको अपने फेस में इसे मसाज करनी है। जैसे आप लोग मसाज क्रीम, कैसे आप लोग अपने फेस पे मसाज करते हो ना 10 से 15 मिनट, तो उस तरह से आपको इसे क्या है मसाज करनी है आपको। तो 10 से 15 मिनट आप इसे मसाज करें। मसाज करने के बाद आप इसे कोई भी वेट टॉवल से या वॉश आउट भी कर सकते हैं आप। तब हम लोग का फोर्थ आता है सैंडलवुड फेस मास्क आता है। तो इसके लिए हमें चाहिए सैंडलवुड पाउडर चाहिए। अगर आपके पास सैंडलवुड पाउडर नहीं है तो आप आटा का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून ऑफ सैंडलवुड पाउडर लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो 1 टेबल स्पून ऑफ आटा भी आप ले सकते हैं, कोई भी आटा आप ले सकते हैं। और इसमें मैंने मिक्स करनी है, या तो आप दूध मिक्स कर ले या तो आप रोज़ वाटर यूज़ कर ले। अगर आपकी स्किन ऑयली टू कॉम्बिनेशन या सेंसिटिव स्किन है तो आप रोज़ वाटर यूज़ के लिए। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप मिल्क का इस्तेमाल आप करें। मेरी स्किन ऑयली है लेकिन मैं फिर भी मिल्क में ऐड कर लेती हूँ। मुझे कोई ऐसा मतलब कोई रिएक्शन नहीं होता, मुझे सूट कर जाता है। अगर आपको भी कर जाता है तो आप भी कर लेना। तो इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स करनी है। मिक्स करना अच्छा से बहुत ज़रूरी है, कोई लम्स वगैरह ना रह जाए। तो इसको आप यूज़ करनी है मसाज के बाद। तो आप अपने पूरे फेस पे रहने देनी है अच्छा से। जब वो ड्राई हो जाए तो आपको उसको क्या वॉश आउट कर लेनी है। वॉश आउट करने के बाद टोनर इस्तेमाल करना बिल्कुल भी ना भूले। आप कोई भी टोनर आप यूज़ कर सकते हैं जो आपको सूटेबल हो।
या तो जिस कंपनी का आपको सूट करे कोई भी टोनर आप यूज़ कर ले। मैं सजेस्ट करूँगी आप रोज़ वाटर यूज़ करें, वो भी काफ़ी अच्छा टोनर है। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी, जो आपको सूट करे वो आप यूज़ करें। उसके बाद क्या करना है, आपको मॉइस्चराइज़र लगाना बिल्कुल भी ना भूलनी है। अगर आप दिन में फेशियल करो तो आप सनस्क्रीन लगाए, अगर आप रात में करो तो मॉइस्चराइज़र लगाए। तो ये हमारा होममेड डायमंड फेशियल बन के तैयार है, तो आप इसे ट्राई कर अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो ख़त्म होने में थोड़ी सी टाइम बची हुई है, तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल में बेल बेल को सॉल में भी प्रेस करना भी ना भूले। मेरी जो भी नई आने वाली वीडियो रहेगी वो आप तक पहुंचेगी। तो फिर मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। हम सबको अपने दुआ में शामिल रखें।